हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवी केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर थ्री जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल है क्लास नाइन्थ के लिए। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में लास्ट टाइम के वीडियो में अपन ने पढ़ लिया था कि वैलेंसी वन जो होती है आयंस की, उनके केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिखे जाते हैं और अपने को अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उनको कैसे किया जाता है। आज अपन पढ़ेंगे वैलेंसी टू एंड वैलेंसी थ्री। एक बात आप इन सबसे पहले याद रखें कि अपन यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो आयोनिक कंपाउंड है। अपन यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें अपने को वैलेंसी 3, 2, 1 देखने को मिलती है। आयोनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसमें मेटल वाला पार्ट क्या बनाता है, कैटायन बनाता है या पॉजिटिव आयन बनाता है, और नॉन मेटल वाला पार्ट क्या बनाता है, एनायन बनाता है या नेगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड के अलावा और भी कंपाउंड होते हैं जिसको कहते हैं अपन कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में वैलेंसी आपको इससे भी ज्यादा देखने को मिलती है, 4, 3, 2, 1, 5, 6। तो कोवेलेंट कंपाउंड में बहुत ज्यादा वैलेंसी देखने को मिलती है और कोवेलेंट कंपाउंड अभी अपने को पढ़ने नहीं है। अपन अभी सिर्फ आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उसको पढ़ रहे हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे आपने कभी कंपाउंड देखे होंगे, मीथेन गैस हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, और भी कार्बन के जितने भी कंपाउंड है, C2H6 हो गया, C2H2 हो गया, तो ये सारे कार्बन के कंपाउंड, ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड आते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। आयोनिक कंपाउंड में अपने को मोस्टली वैलेंसी कितनी देखने को मिलती है, 3, 2 और 1। तो अपन ने 1 वैलेंसी वाले आयोनिक कंपाउंड पढ़ लिए हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेकर वापस देख लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड, तो सबसे पहले आप सिल्वर को लिखोगे और सिल्वर के ऊपर उसकी वैलेंसी लिखेंगे, ब्रोमाइड के ऊपर आप क्या लिखेंगे, जो भी ब्रोमाइड है और उसके ऊपर उसकी वैलेंसी लिखेंगे। बाद में इनकी जो वैलेंसी है इसकी क्या कर देंगे, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Br के ऊपर माइनस ये 1 ही होगा। अगर कुछ नहीं लिखा हो इसका मतलब क्या है, 1 है, मतलब Br का जितना नंबर है वैलेंसी उतना Ag का नंबर आएगा और Ag की जितनी वैलेंसी उतना Br का नंबर आएगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो गया AgBr। ठीक है, तो ये अपन ने वैलेंसी 1 वाले कंपाउंड कुछ देख लिए थे, आज अपन वैलेंसी 2 वाले कंपाउंड देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर हेडिंग लगाई है वैलेंसी 2, और कौन कौन से आयन यहाँ पे वैलेंसी 2 शो कर रहे हैं उसके मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ये फिक्स नहीं है, इसके अलावा और भी कंपाउंड्स होते हैं, बट यहाँ पे अपने को जो अपनी बुक में मेंशन किए गए हैं वो अपन ने एग्जांपल लिए। जैसे मैग्नीशियम की होती है 2+, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। कैल्शियम की होती है Ca2+, जिंक का होता है Zn2+, और यहाँ पे आप देखें आयरन के साथ इसकी वैलेंसी मेंशन होती है। ठीक है, आयरन क्या है कि आयरन 3 वैलेंसी भी शो करता है और 2 वैलेंसी भी शो करता है। ठीक है, कॉपर ऐसे 1 वैलेंसी भी शो करता है और 2 भी शो करता है, तो यहाँ पे उसकी वैलेंसी जो है वो मेंशन आती है क्योंकि ये मल्टीवैलेंट है, मतलब अलग अलग वैलेंसी शो करते हैं। तो आयरन यहाँ पे हो गया Fe2+, कॉपर हो गया Cu2+, ये तो हो गए कैटायंस जो अपने को ज्यादातर केस में देखने को मिलेंगे। एनायंस में ऑक्साइड को लिखा जाता है O2-, सल्फाइड को लिखा जाता है S2-। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पे कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट। ठीक है, तो कार्बोनेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसको लिखा जाता है CO32-, सल्फाइड को लिखा जाता है SO32-, और सल्फेट को लिखा जाता है SO42-। आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं सबकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं, ये एनायंस हैं मतलब नेगेटिव आयन्स हैं, और ये कैटायंस हैं मतलब पॉजिटिव आयन्स हैं। अब आपको क्या किया जाता है, आपको इस तरीके से जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपको लिखा गया कि ये जो एक लिख के दे रहे हैं आपको, नेम लिख के दे दिया मैंने, क्या लिख के दिया मैंने आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिखो। तो अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम उठाया अपन ने यहां से, मैग्नीशियम क्या होता है 2+, उसके बाद अपन ने ऑक्सीजन ऑक्साइड O2-, देन इसका क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा Mg, और यहाँ पे भी 2 होगा और ये O, देन इसके साथ भी 2 होगा। अब एक बात याद रखें, अगर यहाँ पे सेम नंबर आता है तो सेम नंबर क्या होता है,
इसको अपन वन वन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला MgO भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये भी लिखेंगे तो ये भी गलत नहीं है, बट इसका जो मतलब करेक्ट एब्रिविएशन है वो इस तरीके से MgO लिखा जाता है। तो ये इस तरीके से अपने को क्या पढ़ने हैं, टू वैलेंसी के कंपाउंड। अब क्या होता है कि कभी कभी इस तरीके से कंपाउंड दिए जाते हैं जिसमें कैटायन की वैलेंसी एक होती है और एनायन की वैलेंसी कितनी हो जाती है, दो हो जाती है। जैसे अपन एक एग्जांपल पढ़ते हैं, अपने को लिखा हुआ मिला क्वेश्चन में सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तब कुछ भी नहीं करना, आपको सोडियम का पता है, आप सोडियम को लिख सकते हो Na प्लस। उसके बाद आपको ऑक्साइड का पता है, ऑक्साइड को आप लिख सकते हो O2 माइनस। देन क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब आप याद रखेंगे कि इसका जो वैलेंसी वाला नंबर है वो तो किसके साथ आएगा, सोडियम के साथ Na2, और इसका जो वैलेंसी वाला नंबर है वो किसके साथ आएगा, ऑक्सीजन के साथ, मतलब O। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2O। इस तरीके से अपने को केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं। मोस्टली तो क्या होता है कि कभी कभी सेम वैलेंसी के दिए जाते हैं, कभी कभी अपने को डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसीज के भी कंपाउंड दिए जाते हैं। जैसे आपको कैटायन अलग दे दिया, पॉलीएटॉमिक आयन अलग वैलेंसी का दे दिया, तो फिर आपको इस तरीके से शो करना पड़ता है। जैसे अपन एक एग्जांपल और पढ़ लेते हैं जिसमें पॉलीएटॉमिक आयन ले लेते हैं, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक आयन लेते हैं, जैसे अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको दे दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब आपको पता है मैग्नीशियम के ऊपर क्या आता है, 2 प्लस आता है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या आता है, OH माइनस आता है, ठीक है। तो बात यह है कि अब इसकी वैलेंसी का नंबर लिखेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इस पे तो कितना है, 1 है, मतलब मैग्नीशियम कितना आएगा, ओनली 1, जबकि OH कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो यहाँ पे OH को लिखेंगे ना तो उसको ब्रैकेट में लिख के और बाहर इस तरीके से 2 लिखा जाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा MgOH2, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अपन ये तो अपने को समझ में आ जाता है कि वैलेंसी 2 के कंपाउंड कैसे लिखते हैं। उसके बाद अपने को अगर दोनों अलग अलग वैलेंसी दी हुई हो, जो आपके पास कैटायन है और जो आपके पास एनायन है, अगर आपको दोनों की ही अलग अलग वैलेंसी दी हुई हो तो उसको कैसे लिखा जाए, तो ये अपन यहाँ पे समझ सकते हैं। आई थिंक आपको वैलेंसी 2 के कंपाउंड समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अपन कुछ वैलेंसी 3 के कंपाउंड भी देखने को मिलते हैं, तो वो कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से वापस से एक बार का रिवीजन हो जाएगा तीनों ही वैलेंसी का, ताकि अपन सीधा नेम पढ़ते ही उसका क्या बना सके, केमिकल फॉर्मूला बना सके। चलो तो मैं इसको रफ कर देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप डाउट इजीली पूछ सकते हो, कमेंट सेशन में लिख सकते हो, आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। और आई थिंक बहुत ही सिंपल मेथड है ये, और बहुत ही कह सकते हैं कि सिंपली लिखे जाते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है कि अपने को नहीं समझ में आए, है ना, बहुत ही सिंपल है, करना ही कुछ नहीं है, क्योंकि अपने को ये तो याद ही रखनी है वैलेंसी किसकी कितनी आएगी, और बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हो गया। अपन अब बात कर रहे हैं किसकी, वैलेंसी 3 की, मतलब ऐसे कौन से कैटायन है जिनकी वैलेंसी 3 होती है, कुछ एनायंस की होती है, कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस की होती है। तो वैलेंसी 3 की जिस टाइम बात की जाती है तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आयन की वैलेंसी कितनी होती है, Al3+। इसके अलावा आयरन का भी एक एग्जाम्पल आता है जिसमें उसकी वैलेंसी होती है 3। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 लिखा हुआ मिलेगा रोमन नंबर में। उसके बाद यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है नाइट्राइड, नाइट्राइड आता है, तो नाइट्राइड होता है जिसको लिखा जाता है N3-, और यहाँ पे अपने एक आयन आएगा जिसको बोला जाता है फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन जिसको लिखा जाता है PO4-। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अब कुछ कंपाउंड्स लेते हैं, और सबसे पहले तो अपन दो वैलेंसी 3-3 के कंपाउंड लेते हैं और उनका बनाने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला। उसके बाद अपन क्या करेंगे, वैलेंसी 2 का कंपाउंड लेंगे, मतलब एक कैटायन या एनायन वैलेंसी 2 का लिया और एक वैलेंसी 3 का लिया, मतलब मिक्स कंपाउंड, मिक्स वैलेंसी वाले। तो पहले तो इसका ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया एल्यूमिनियम
फॉस्फेट, आपको लिखा हुआ क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बनाना है, तो आपको पता है एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है Al3+, फॉस्फेट के ऊपर क्या होता है PO4-3-, तो दोनों के ही क्या लिखे जाएंगे, सेम नंबर लिखे जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम नंबर है, मतलब Al3 और PO4 को किस कैसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉली एटोमिक आयन है, और अगर पॉली एटोमिक आयन का नंबर एक से ज्यादा हो जाता है तो उसको किस में लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिख के और उसके यहाँ पे नीचे लिखे जाते हैं उसका नंबर। अब या तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, या इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम है। अब बात ये आती है कि ये तो हो गया सेम वैलेंसी वाला, अब जैसे मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा कि भाई ये तो मेरे को हो जाता है इजीली, देन आप ऐसा करो, आप मैग्नीशियम फॉस्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखो, आप किसका लिखो, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखे, बहुत ही सिंपल सा खेल है, कुछ नहीं करना, कैल्शियम कहां गया, कैल्शियम ये रहा कैल्शियम, कैल्शियम क्या लिख दिया Ca2+, देन सेकंड क्या दिया, फॉस्फेट दिया, फॉस्फेट क्या होता है PO4-3-, अब यहां पे कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अपने को, कैल्शियम के पास कितने आएंगे 3, और PO4 के पास कितने आएंगे 2, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट, और यहां पर वैलेंसी भी क्या हो गई है, मैनेज हो गई है, ठीक है, तो ये हो जाते हैं वैलेंसी 3 के फॉर्मूले और वैलेंसी 2 के फॉर्मूले। अब कभी कभी क्या किया जाता है, कुछ क्वेश्चन में अपने को फॉर्मूला दे दिया जाता है और अपने को कहा जाता है कि इसका नेम लिखो, ठीक है, तो अपन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देख लेते हैं जिसमें फॉर्मूला दिया हुआ हो और नेम लिखना हो, तो वो वाला भी देख लेते हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो अपनी बुक में प्रेजेंट है कुछ क्वेश्चन दिए मैं, वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, देन अपना केमिकल फॉर्मूला वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है सब, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इजीली मार्क्स मिल जाते हैं इसमें, ठीक है, तो अपन को अब पहले क्या देखना है कि कहीं कहीं फॉर्मूले दिए हुए आते हैं और आपको कह दिया जाता है कि आपको क्या करना है, इसका नेम लिखना है। जैसे आपको फॉर्मूला दिया हुआ आया FeS, आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है FeS, आपको इसका नाम लिखना है। अब आप सबसे पहले समझो कि यहां पे S किसको कहा जाता है, S कहा जाता है सल्फाइड को, है ना, S कहा जाता है सल्फाइड को, और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है 2-। Fe कहां आता है, Fe आयरन के साथ आता है, ठीक है, अब अपने को यहां पे कंफ्यूजन क्या है कि आयरन प्लस 2 भी शो करता है, आयरन प्लस 3 भी शो करता है, ठीक है, तो अब कैसे लिखा जाए, अगर आयरन सल्फाइड लिखना है तो वो नाम होगा नहीं, तो Fe अगर 2 में लिखा जाता है तो उसको लिखा जाता है फेरस, क्या लिखा जाता है फेरस, और अगर Fe 3 में होता है तो उसको लिखा जाता है फेरिक, ओके, तो यहां पे किस में है Fe, क्योंकि ये भी बन आ रहा है, ये भी बन आ रहा है, मतलब ये केस हो रहा है, तब जाके दोनों ही क्या आ रहे हैं, वन वन आ रहे हैं, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, फेरस होगा, तो यहां पे इसको आयरन सल्फाइड भी लिखते हैं, बट आयरन सल्फाइड एक सही टर्म नहीं होती, इसको गलत मान सकते हैं अपन, यहां पे लिखा जाता है फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, और आयरन सल्फाइड अगर आप लिखते हो तो आपको ब्रैकेट में उसकी बैलेंस शीट शो करनी पड़ती है, ठीक है, फेरस सल्फाइड, इसको सही माना जाएगा, ओके। इसी तरीके से जैसे आपको पूछ लिया गया, आपको दिया गया जैसे जिंक, ठीक है, फॉर्मूला दिया गया है जिंक, और उसके पीछे क्या दे दिया गया है, अगर जिंक और PO4-2 और Zn3, अब आपको ये फॉर्मूला दे दिया गया है और आपको इसका नाम लिखना है, तो नाम में बहुत इजी है, जिंक Zn का क्या होता है जिंक, PO4 का क्या होता है फॉस्फेट, तो जिंक फॉस्फेट इसका नाम हो गया। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, इसको खोल दो, जिंक का क्या होता है ऑलवेज 2+, PO4 का क्या होता है 3-, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तब क्या हुआ जिंक 3 PO4 2, ओके,
तो ये बड़ा ही सिंपल सा खेल है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, और इसके बाद अपने पास कुछ बुक के क्वेश्चंस हैं, तो अपन बुक के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ठीक है, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन अपना आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, वो कर लेते हैं अपन कंप्लीट, देन अपन कंप्लीट करते हैं आज की क्लास को। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने पास कुछ ऐसे फॉर्मूला लिखे हुए हैं जिसके अपने को नेम लिखे हुए, जिसके अपने को फॉर्मूला बनाने हैं। पहला आपके पास नेम है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बहुत ही सिंपल है। सोडियम होता है Na प्लस, ऑक्साइड होता है O2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया Na2O हो गया। सेकंड आपको दिया गया है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम होता है Al3 प्लस, क्लोराइड होता है Cl माइनस, मतलब एल्यूमिनियम कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, एक, और क्लोरीन कितने आएंगे 3, ये फॉर्मूला हो गया, ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आपको दिया गया सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम होता है आपकी Na प्लस, सल्फाइड होता है S2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई Na2S, ठीक है। तो ये इस तरीके से इजीली अपन फॉर्मूले बना सकते हैं, और अगर अपने को फॉर्मूले दिए हुए आए तो अपन उसका नाम देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे मोल कंसेप्ट के साथ, जो कि इस चैप्टर का सबसे हार्ड कंसेप्ट है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स थिंग्स है उसमें, बट उसके लिए अपने पास बहुत ही इजी मेथड है जिसे अपन चुटकियों में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके देन इस वीडियो में थैंक यू, ठीक है, थैंक यू के साथ लगा देते हैं कार्बन को, और खुश हो गए, चलो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बच्चों।